अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख मेहरजादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक राइड पे निकल रहा हूँ मुल्तान के लिए, और आज जैसे ही मैंने अपना सामान उठाया, मेरे पास सेफ्टी टूल्स वगैरह थे वो, जो कि मैं यूज़ भी नहीं कर सका जब से लिए हैं, और आज उनका फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करने लगा। तो जैसे मैंने अपने सेफ्टी टूल्स उठाए हैं, मुझे एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त याद आ गए जो कि अब हमारे साथ नहीं हैं। मेरा आज के व्लॉग उनके नाम है, और आज सुबह सुबह हमारा जो काम है, आज हमें ईंटें नहीं उठानी पड़ रही क्योंकि ईंटें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। बाबा जान आज सुबह गए हैं भट्टे पे मज़ीद ईंटें मंगवाने के लिए, ईंटें थोड़ी सी रह गई हैं और वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और ये वाली जो ईंटें हैं, ये जो हमने साइड पे की थी ख़राब ईंटें, वो पड़ी हैं। तो आज जो है हमने पानी लगाना है सारे घर को, क्योंकि इसका लेंटल डल चुका है। लेंटल वो छत वाला लेंटल नहीं, दरवाज़े के ऊपर जो है इस तरह से ये बना के, इसमें जो सरिया और बजरी वगैरह डाल के जो है ना लेंटल बना दिए जाते हैं। और आज मिस्त्रियों के आने से पहले हमने इसको पानी लगाना है। अतीक मोटर चलाएं। Where is pipe? वॉल बंद कर दे उधर से। सुबह के 8 बज गए हैं और ईंटें हमारी आ चुकी हैं। काफ़ी फास्ट सर्विस थी, फास्ट सर्विस ऐसा हुआ है कि बाबा जान सुबह सुबह भट्टे पे चले गए हैं और उनसे कहा जी कि ईंटें हमें ही चाहिए, और आज पहली ट्रॉली जो है उन्होंने हमारे पास ही भेज दी है। और मैं मिस्त्रियों के आने से पहले जो है इनको गीला कर लेता हूँ अच्छे से। ईंटों के साथ साथ हम अपने जामुन को भी पानी लगा लेते हैं। माशाल्लाह ये अपनी कॉम्प्लेन निकाल रहा है मज़ीद। मेरे मोस्टली व्यूवर्स उनको जानते होंगे क्योंकि एक दो व्लॉग्स में एक साथ हम राइड पे गए हैं, और उन व्लॉग्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और मैं बात कर रहा हूँ अपने दोस्त मुस्तफ़ा भाई की, और सेफ्टी टूल्स जब मैंने उठाया तो वो सेफ्टी टूल्स मुझे मुस्तफ़ा भाई ने रिकमेंड किए थे। मुझे वो कहते थे कि आप इवन कि अपने सिटी भी आए ना तो सेफ्टी टूल्स ज़रूर पहन के आएँ। राइडिंग का जो फर्स्ट रूल है वो अपनी सेफ्टी है, मुझे हमेशा वो अपनी सेफ्टी की तलकीन करते थे। और उनके साथ क्या हुआ, हमसे वो कैसे बिछड़े, कब बिछड़े, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा। शाम के 3 बज गए हैं और हम निकल रहे हैं अपने सफ़र के लिए। अपना सामान पैक कर लिए और सेफ्टी टूल्स जो हैं ये उठा लिए, ये जस्ट उठाने नहीं हैं, ये पहनने हैं, और अपनी तैयारी करने के बाद फिर हम निकलते हैं अपने सफ़र के लिए। हमारा एक ग्रुप था मियां चन्नू राइडर्स के नाम से, जिसके एडमिन मेरे दोस्त मुस्तफ़ा भाई थे, और 30 सितंबर की शाम को उस ग्रुप में मैसेज आया कि हमारे जो दोस्त हैं वो नहीं रहे, एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है। यकीन नहीं हो रहा था, मैं कॉल्स कर रहा था लेकिन मुस्तफ़ा भाई कॉल नहीं उठा रहे थे, और मैं ग्रुप में मैसेज किया जा रहा था कि मुस्तफ़ा भाई मेरी कॉल नहीं उठा रहे। 4-5 मिनट बाद उस अफसोसनाक खबर की तस्दीक होगी कि ऐसा ही है, और मैं नहीं बता सका वो अफसोसनाक खबर, आपके साथ शेयर नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने सोचा अपने ज़िंदगी का वो दुख आपसे ज़रूर शेयर करना चाहिए, और आपसे इल्तिजा है कि मेरे मुस्तफ़ा भाई के लिए आप दुआ कर दें। फ़र्स्ट टाइम जब मैं मुस्तफ़ा भाई के साथ राइड पे गया था तो मुस्तफ़ा भाई की तरफ से दिया गया मियां चनू बाइकर्स का ये जो बैज था, ये मैं हमेशा संभाल के रखता था, लेकिन अब तो
ये जो है एक निशानी है उनकी तरफ से दी गई और इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हो गया हूँ, अपने सेफ्टी टूल्स वगैरह जो है वो मैंने सभी पहन लिए हैं। तो माशाल्लाह हमारा ब्लैक बर्ड तैयार हो गया है फॉर राइड। और बाइकर्स के लिए एक और जो चीज़ है वो ये है कि मैं पहले एक कुशन लेना चाहता था जो कि मुस्तफ़ा भाई का ही मशवरा था कि वो जल्द ख़राब हो जाती है, तो मैंने एक इस तरह का, इसे हम गद्दी कहते हैं, वो लिए और ऊपर से ये नेट ले लिया जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और ख़राब भी नहीं होता जल्दी। इस तरह से ये फिक्स हो गई है और कुछ ऐसी लुक बन गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम तैयार हो गए हैं राइड के लिए और आपकी दुआओं के साथ हम अपने सफर का आगाज करके मुस्तफ़ा भाई के बारे में जो बातें हैं वो रास्ते में आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। और मुल्तान क्यों जा रहा हूँ मैं पहुँच के बताऊँगा। तो कुछ सेफ्टी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओके हो गई है और बाकी अमान हवाले रब दे करते हैं।